लाल गुलाबी हुआ उफक का दरवाज़ा, लाल गुलाबी हुआ उफक का दरवाज़ा, टूट गया सूरज का ताला, दिन निकला, नए नए मंजर आँखों में फैल गए, नए नए मंजर आँखों में फैल गए, खुल गया कोई रिसाला, दिन निकला। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके के एक और ताज़ा शुमारे में। उम्मीद और आरज़ू यही कि आप सभी देखने वाले सभी नाज़रीन खुश व खुर्रम होंगे, बसेहत सलामत होंगे, बख़ैर आफ़ियत होंगे। हमारी तरफ से प्यार, खलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, इस नई सुबह, इस नए दिन में हम हाज़िर हैं प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर अपने मुकर्रर वक्त पर। और नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में रवानी बहुत अहम है, इंसान को रवां दवां रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस रवानी में हम ये ना भूल जाएं कि कहीं किसी पड़ाव पे बैठ के हम थोड़ा सा वक्फ़ा भी लें, थोड़ा ठहरें भी, थोड़ा आसपास देखें भी कि हम जिस सम्त जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस राह पर जा रहे हैं, वो सही राह है कि नहीं, वो सही सम्त है कि नहीं, वो सही डायरेक्शन है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गलत राह हमें सही मंजिल का खुशगुमानी देती है और एक खुशफहमी हमें होती है, तो हम काफ़ी आगे निकल जाते हैं एक गलत राह पे, फिर ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे वापस लौटना नामुमकिन होता है। इसलिए थोड़ा बहुत वक्फ़ा लें, थोड़ा बहुत पॉज लें इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, और रीअश्योर करें कि हम जिस राह पर जा रहे हैं क्या वही हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगी कि नहीं। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं और इस चीज़ का हम बहुत ही एहतराम करते हैं, इस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस प्यार मोहब्बत और खलूस को यूं ही बनाए रखिए और हम तक अपनी मोहब्बत पहुंचाते रहिए, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। नाज़िम मोहतरम, आज भी प्रोग्राम को दो मेज़बान जो हैं एंकर करेंगे और इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार, और मेरा साथ निभाएंगी फ़रा ज़ैदी। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, अमार, फ़रा, कैसे हैं क्या हाल है? आप? ठीक है, सर? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, और उम्मीद करती हूँ आप भी बख़ैर मैं भी होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ। आप ज़रा सी आज जी थोड़ा ताख़ीर हो गई आने में, बिल्कुल सब ऑल बिल्कुल, गुड? नहीं, सब ठीक था, बस गाड़ी थोड़ी देर से पहुंची चलिए, इसलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्दी होता में रहता है, आए। लाइव प्रोग्राम में होता जी रहता है। चलिए, बिल्कुल आपने मैनेज कर लिया। जी, गुड मॉर्निंग जैन के देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन सामईन को प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे, बसेहत व सलामत होंगे और प्रोग्राम देखने बैठ चुके होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई हुनर लेके पैदा होता है और ये हुनर इंसान की शख्सियत को निखारता है। इंसान अपने अंदर की इन सलाहियतों को पहचान कर इन्हें निखारने में लग जाता है और एक बड़े हुनर में तब्दील करता है, जो आगे चलकर उसकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बनता है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान पौध जो है अपने अंदर के हुनर को न सिर्फ पहचाने बल्कि उन्हें निखारने और संवारने में जुट जाए, और हुकूमत जो है उन्हें नौजवान पौध को हुनरमंद बनाने में अपना अहम किरदार निभाने की ज़रूरत है। तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने की ज़रूरत है ताकि उनके लिए इज्जतमंद रोज़गार फराहम हो सके। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आप तक चंद अहम मालूमात पहुंचाते हैं जिनमें मौसम और ट्रैफिक की जानकारी शामिल है, और महकमे मौसमियात के हवाले से जो जानकारी हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान हैं और रात का कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है। इनफैक्ट अभी जब मैं आ रही थी तो उसी वक्त बूंदाबांदी जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो शुरू गई हो थी। गई थी। जी बिल्कुल, और महकमे ट्रैफिक से जो इतला मौसूल ही हुई है उसके मुताबिक आज जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। ताहम आप सब से गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर एक बार राब्ता जरूर कर लीजिएगा। जी अम्मा, बहुत शुक्रिया फरा। और जिस तरह से आप कह रही थी कि आप में जो भी हुनर छुपे हैं उनको बरोए कार लाया जाए, लाने की उसके लिए जरूरत क्या है। क्या करना चाहिए, आज के जो हमारे मेहमान हैं जी जिनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस खूबसूरत से नगमे के बाद,
उन्होंने अपनी सभी सलाहियतों को बरोए कार निखारा है, लाया बरोए है, कार लाया है, निखारा यकीन है, है। और एक ऐसे कामयाबी के शिखर पे पहुंचे हैं कि जहाँ पे देख के इंसान बस नाज करता है, रश्क करता है बिल्कुल और फख्र करता है कि कभी मुझे भी मौका मिले कि इस जी, बुलंदी पे मैं भी यकीन। पहुँच जाऊँ। नाज़रीन मोहतरम, एक दिलचस्प गुफ्तगू के लिए आप तैयार हो जाइए हमारे मेहमान से, लेकिन ज़रा सी देर बाद, क्योंकि पहले हम आगाज़ जो है मौसीकी से करते हैं, शुद इस्लाम प्रोग्राम कश्र मौसीकी से करा। महमीत इरफान बिलाल साहब ने आवाज़ मंज ये खूबसूरत कश्र नगमा तैम पत करो इस पानी मोज़ज़ मेहमान से मुलाकात तो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन। जाने दीदारू जोर हुस्न नज़्गत बनाए
यारस बतो वक्त कनान मौजूद उस नजगार बना यारस बतो वक्त ये दिल के मान रोजे पर बेस सिग्नो تمنا چانہ دیدارک چھمو یمبر زلی بمبرو یہ اخ سٹھ پرون تو مر مند کلام اس وارہ آرٹسٹو پنہ پنہ انہار پنہ پنہ رنگ گیومت اخ نو طرز ہیت اخ نو انہار ہیت عرفان بلال تو محمید جی اس امید یہ صبح چی ڈل موسیقی ہز آج تہ پسند آمد ناظرین محترم آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام کہ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کو مل رہا ہے ان کی میزبانی کا شرف ہمیں آج حاصل ہے وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ غیر معمولی شخصیت ہے ایک ایکٹر بھی ہیں ایک تھیٹرسٹ بھی ہیں آتھر بھی ہیں اور فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دور درشن شری اشوک جیل خانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں آپ کا بہت بہت سواگت بہت بہت استقبال پروگرام شکریہ ناظرین کو میرا آداب السلام علیکم اور نمسکار مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اسٹیشن اور یہ جگہ تو میری ماتر بھومی ہے گھر واپسی کی طرح ہے اسٹیشن سے میرا کیریئر شروع ہوا تھا جی اور جو بھی پہچان ہے یا جو بھی کام ہوا ہے زیادہ یہیں پہ ڈلی اس کی ایک مضبوط بنیاد یہیں پہ پڑی بہت خوشی کا مقام ہمارے لیے کہ آپ اتنی مدت بعد کشمیر آئے اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ آج آپ گڈ مارننگ جے این کے میں تشریف فرما ہے خیر کہتے ہیں نا کہ کسی بھی انسان کے مختلف پہلوؤں کو اگر آپ کو جاننا ہو اور ان کے بارے میں جاننا ہو اور ایک انسان کو کھولنا ہو تو ان کے بچپن کا ذکر شروع کر دیجیے کیونکہ بچپن ایک ایسا دور ہوتا ہے بچپن کی غلطیوں کو بھی انسان بڑی وہ ناز سے اور بڑے فخر سے دہراتا ہے اور کہتے ہیں کہ بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے تو خیر آپ کے بچپن کا ہم ضرور ذکر کریں گے اور آپ کی زندگی کے وہ دلچسپ واقعات کا بھی ذکر کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے کمرشل کے لیے ہمیں رکنا ہوگا ناظرین محترم یوں گئے یوں آئے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے وچتو ماہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان آ یو آر جیولرز یہ ہال مارک سن برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ تشریف انیو یو آر جیولرز شاہی خاص قید کدل سراب کدل سری نگر ویلکم بیک ناظرین پروگرام گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں آپ اور آج ہماری محفل میں چار چاند لگانے کے لیے اور اس محفل کو زینت بخشنے کے لیے شری اشوک جیل خانی صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھیٹرسٹ ایکٹر براڈ کاسٹر اور آتھر بھی ہیں اشوک سر چونکہ ہم تھوڑا سا نروس ہیں آپ ہر کسی ہمارے بھائی ہر چیز میں آپ کی مہارت آپ تو روز کیمرہ فیس کرتے ہیں میں آج بہت دنوں کے بعد کر رہا ہوں تو میں تھوڑا نروس ہوں لیکن جو بینچ مارک آپ سیٹ کر کے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ بات کرنا مکالمہ کرنا ہم سب کے لیے تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں نوجوانوں کے ساتھ بہت شکریہ سر بات چیت یہ جو بچپن کا دور ہے جو بھی آپ کی یادداشت کے تہہ خانوں میں جو بھی چیزیں ہیں نا کیا یاد آتا ہے جب آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے جی کشمیر کی لائف جو اب بہت حد تک بدل گئی ہے جی بہت ہے تو میرا پیدائش بشز بہت ہی ارزامت ارے کیا بات تو اس کے بہت سال بعد مطلب جب میرے خیال 18-19 سال کے بعد ہم راول پورہ برزلہ شفٹ ہو گئے جی تو بدگیر القدل سو لائف سٹائل اور مطلب مجھے نہیں لگتا وہ دور اب واپس آئے گا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ بچپن میں مطلب ہم دو چار گھر ہیں اس کے بعد دو چار مسلمان بھائیوں کے گھر ہیں
अगर मैं तो खैर नहीं पीता था, मेरा कोई दोस्त वोस्त सिगरेट पीता था स्कूल के जमाने में, अच्छा, चोरी छिपे अच्छा, अच्छा। तो पड़ोस का कोई मुसलमान बुजुर्ग भी आता था, वो ऐसे छिपाता था हाथ, मतलब शर्मो हया का वो ये दौर था कश्मीर का। आई डोंट नो, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कश्मीर, ये तो हर जगह बदल गया, हर जगह की वैल्यू सिस्टम ही चेंज, वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। तो उसके बाद वो लाइफ जो थी ना, थोड़ी दिक्कत थी कश्मीर में, आप लोगों को वो आइडिया नहीं होगा, क्योंकि कई तरह की खासकर 6-7 महीने जो सर्दियों के होते थे जी, तो वो 6-7 महीने काटना बड़ा मुश्किल होता, हार्श विंटर नहीं, बिजली गुल सुविधाएं नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, वही में क्या जो अब है वो नहीं थी, नहीं तब थी। तो वो और जो भी आपको करना चाहते थे, काम कुछ भी, आपकी हॉबी या इवन आपका करियर, पढ़ाई लिखाई, वो 3-4 महीने का ही वक्त आपको बिल्कुल ही मफलूज हो जाता है, 6-7 महीने। यानी आप सोचिए कि इंटरनेट वगैरह तो था ही नहीं, टीवी चैनल्स थे नहीं, तो एक जरिया था रेडियो कश्मीर, अच्छा, दैट वाज लाइफ लाइन। वाह, वो भी तब तक, तब ज्यादा पॉपुलर या माने खेज हुआ जब ट्रांजिस्टर का जमाना आया जी, जब रेडियो था तब बिजली पे मुनहसर था वो, बिजली अक्सर गुल रहती थी, तो यू नेवर नो क्या हो रहा है, यू नो, मतलब एक वैक्यूम में आप बढ़ रहे हैं, पैदा हो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको बिल्कुल खबर नहीं। अंग्रेजी अखबार या नेशनल अखबार, फ्लाइट एक चलती थी एयर इंडिया की, एक ही जहाज होता था, और सर्दियों में 6-7 महीने, हफ्ते में 4 दिन फ्लाइट कैंसिल, थोड़ी बर्फ गिर गई, कुछ हो गया तो अंग्रेजी अखबार या नेशनल पेपर वो कभी कभी 5 दिन बाद पहुंचते थे जी। और सब्जियों की इतनी किल्लत, वो जम्मू का रास्ता बंद हो जाता था, गिजाई अजनास की तो किल्लत, ये बहुत एक अजीब किस्म का दौर था जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ गए तो थोड़ा लाइफ बेटर हो गई, सुविधाएं, बिजली की सहूलियत हो गई, फिर टेलीविजन का दौर आया तो, और ये तो मेरी तालीम SP कॉलेज में हुई जी, लेकिन ये था कि संभव 15-16 साल की उम्र से ही मुझे कुछ एक्टिंग, डायरेक्शन, थिएटर की तरफ लगा हुआ। वो इत्तेफाक ये हुआ कि शायद मैं बिस्कुट स्कूल में पढ़ता था, अच्छा, तो पहले तो जब स्कूल में जैसे सब बच्चे ड्रामा वामा कभी कभी होता है स्कूल में, तो मुझे कल्चरल फंक्शन वगैरह, हाँ नहीं तो उन्होंने कहा कि क्लास में कि एक ड्रामा करना है कि जिस बच्चे को भी दिलचस्पी आ जाओ जी। तो मुझे बड़ा शौक था तो मैं भी गया, मतलब इट वॉज सॉर्ट ऑफ एन ऑडिशन, वो टीचर साहिबान सिलेक्शन कर रहे थे तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा, तो उसका एक इम्पैक्ट मेरे जहन में रहा जी। तो बड़ा दुख हुआ कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया, और मुझे लगा कि जिस लड़के को इन्होंने मेरे बदले लिया है वो मेरे बराबर का नहीं है, मुझसे बहुत पस्त है, ऐसा मेरी फीलिंग थी। तो खैर वो कहीं फीलिंग जो नहीं, वो जो रिजेक्शन था वो कहीं डॉर्मेंट अंदर मेरे रहा। तो उसके साल भर बाद ही मुझे, तब ये भी इल्म नहीं था कि हमारे शहर में कोई टाइगर हॉल नाम की कोई चीज़ है, ऑडिटोरियम, तो इत्तफाकन हम एक बार मैं किसी दोस्त के साथ वजीरबाग साइड से जा रहा था, तो वहां मैंने एक बैनर देखा कि मजाहिया शो कुछ ऐसा लगा, तो मैंने कहा यार चलो हम भी जाते, घुसते हैं, फ्री एंट्री, अच्छा, टिकट वगैरह नहीं, कुछ नहीं था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू सी समथिंग ऑन स्टेज या प्ले। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो कुछ गाने थे, कुछ स्किट्स थे, कुछ मजाहिया इस तरह कलाकार थे, लेकिन वो स्टेज और लाइट और मेकअप और चकाचौंध देख के आप फैसिनेट हो गए, फैसिनेट, आई बिकेम रेस्टलेस, राइट। सो दैट डे एक्चुअली, वो जैसे होता ना हर माँ बाप उस जमाने में, पर्टिकुलरली अब तो बहुत ऑप्शंस हैं जी, अब तो माँ बाप का ये होता था कि या तो लड़का डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था, माँ बाप चाहते थे डॉक्टर बने, तो वो कहीं मेरे अंदर वो जो सीन था ना बहुत गहरे घर कर गया। और उसके बाद अचानक मैं हबा गदल साइड से, बड़ियार साइड से गुजर रहा था, तो मैंने एक बोर्ड देखा, मुझे तब ये भी नहीं मालूम था कि अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब होते हैं या ऐसा कुछ होता है जी, आप बिल्कुल ही गैर मालूम, 16 साल की उम्र थी मेरी जी। तो मैंने देखा एक रंगमंच ड्रामेटिक क्लब, अच्छा, वो बोर्ड लगा हुआ था, अच्छा, वो बिल्डिंग थी, नीचे दुकानें थी और सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पे। तो मैं डेडलर के गया सब्जी वाले के पास, मैंने कहा ये क्या है शहर का, तो वही मुझे कम था यहाँ शाम गवा पे वहाँ क्या था करा ऐसा उसने बोला। तो मैं हिम्मत करके गया, चला चला तो वहां देखा एक शख्स जो बाद में मुझे पता लगा मखलाल सराफ, क्या वेरी प्रोमिनेंट एक्टर डायरेक्टर, हाँ लेजेंड। तो वो इनका क्लब था, मतलब शुरू के जो कश्मीर में एक दो क्लब थे उतना ही पुराना उनका था रंगमंच, तो वो बैठे थे,
अच्छा वो खुद बैठे थे हाँ बिकॉज ही वाज रनिंग द थिएटर ही वाज इन चार्ज आप गए फिर उनके पास मैं उनके सामने गया और डर डर के मैंने कहा बोलो क्या नाम है ये वो तो मैंने कहा मैं भी करना चाहता हूँ कोई ड्रामा शर्मा तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया उसे फॉर्म भरना पड़ेगा और 5 रुपये फीस 5 रुपये भी नहीं थे जी। वो मैंने कहा कल लाऊंगा तो दूसरे दिन घर से लेके आया तो खैर वो शुरुआत थी लेकिन फिर अब क्या कहें टैलेंट कहें आप या कुदरत की मर्जी कहें डेस्टिनी कहें जी तो मैं उनके साथ 1 साल रहा टोटल और लेकिन आते ही वहां मैंने बाद में देखा कि बहुत सारे लड़के जी। बहुत सालों से आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से आपको रोल मिलता है तो एक दो साल आप आ गए हीरो बन जाएंगे हाँ झाड़ू मार रहे हैं कोई बाजार का काम कर रहे हैं कोई चाय बना ये सब तो करना पड़ेगा ना यू नीड अ बैकअप सपोर्ट खाली एक्टिंग थोड़ी करनी है जी जी स्टेज पे थोड़ी लाइमलाइट में थोड़ी आना है तो उन मैंने देखा कि वो दो दो तीन तीन साल से कोई लेकिन मुझे मखलाल सराफ थे वहाँ कुछ लोग अवतार किशन रहबर बड़े एमिनेंट राइटर जी तो मुझे तुरंत उन्होंने दो प्लेस थे एक तलाश बोस ग्रैंड रिहर्सल पुष्करवान सोमनाथ साधु का कॉमेडी प्ले और अवतार किशन रहबर साहब का तलाश बहुत दोनों ही बहुत अच्छे ड्रामे वो एक ही साल में दोनों ड्रामों में मुझे मेन रोल नहीं लेकिन रोल मिला रोल ब्रेक मिले ये बड़ी बात थी तो फिर मैं एक बार स्टेज पे आ गया टैगोर हॉल पे चाहे 5-10 मिनट का ही रोल था जी। तो मेरे दोस्त मेरे घर वाले आए देखने के लिए वो एक दो ताली बज गई तो फिर आप ताली से एक आर्टिस्ट ताली से पागल हो जाता है उसको तो सिर्फ ताली चाहिए तो चस्का लग जाता है हाँ बाकी कैरियर पैसा वैसा तो वो सोचता नहीं आर्टिस्ट बस ताली का दीवाना होता है ताली बज खत्म हो गया तो खैर मैं चुनिंदा कुछ बातें बता रहा हूँ तो उसके बाद से लेकिन संभव वो मेरा सोच कुछ अलग तरह का था आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट उस दौरान मैंने और भी ड्रामे देखे तो मैंने क्या देखा कि ज्यादातर ड्रामे जो है ना वो घिसे पिटे थीम्स पे जमींदार जागीरदार हश नोश लड़े दहेज इस तरह के मतलब वो मेरा एक यंग माइंड एंड आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट बट बचपन से मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था जी. तो मेरे एक चाचा थे ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश उनके घर में मतलब उनकी वजह से बेस्ट वेस्टर्न लिटरेचर और किताबें और नॉवेल्स तो मुझे भी चश्का लगे उनको देख देख के तो कुछ मॉडर्न सोच में कुछ जदीद कुछ सोचना चाहता था ये जो हश नश जागीरदार वागीरदार रिवायत से हटके इससे मैं निकलना चाहता था सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट कॉन्टेंट एंड डिफरेंट एक्सप्रेशन तो फिर इस वजह से मैंने एक दो हम उम्र दोस्त थे हम कॉलेज में मिले तो एक अपना क्लब बनाया okay. जिसका नाम वसंत थिएटर था और अल्लाह का शुक्र है कि पहले ही साल से 73-74 से जितने ड्रामे वो अभी तक लोगों को याद है वो ट्रेंड सेंटर माने जाते हैं वो जदीद थिएटर के जुमरे में आते हैं और बेंचमार्क सेट किया उन्होंने वसंत थिएटर ने ही कश्मीर में जदीद थिएटर की बुनियाद मॉडर्न थिएटर नॉट ओनली इन कंटेंट बल्कि प्रेजेंटेशन स्टाइल बदल गए हमने चेंज किए सेट ये वगैरह वगैरह तो फिर लगातार एक यहाँ कश्मीर थिएटर फेडरेशन चलती थी जिसमें बहुत सारे थिएटर ग्रुप थे प्राण किशोर साहब उसकी इजाजत करते थे जी। तो लगातार बहुत बड़े पैमाने पे ड्रामा कॉम्पिटिशन होते थे 3 साल वो चले जी फेडरेशन तो तीनों साल हम हमारे प्लेस को बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर बेस्ट ये लगातार लाइन में उसके अलावा जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे तो उसी दौरान ये बड़ी दिलचस्प वाक्य है ये आपको सुनना चाहिए जी। तो जब मैं ड्रामा कर रहा था तो मैं ग्रेजुएशन भी पढ़ रहा था एसपी कॉलेज में तो यहाँ श्रीनगर में दूरदर्शन चालू होने की बात हुई जी। तो अच्छा दूरदर्शन श्रीनगर ऐतिहासिक ये है कि ये हिंदुस्तान में दूसरा दूरदर्शन है दूसरा बॉम्बे और ये एक साथ है बॉम्बे 2-3 महीने पहले चला जी। तो टेक्निकली यू कैन से इट इज द सेकंड स्टेशन इन इंडिया यानी सिर्फ दिल्ली में था यानी इतने बड़े शहर मुंबई चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर वो वहां उनके इसके 5 साल बाद खुले सबसे पहले ये स्टेशन सो एक क्योंकि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर कुछ बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था तो उसको काउंटर करने लगा कि नहीं कश्मीर में स्टेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए अब कश्मीर में स्टेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए यहाँ कोई टेलीविजन की समझ नहीं स्टाफ नहीं तो लोकल स्टाफ तो चाहिए ना तो मैं 1-2 साल से थिएटर कर रहा था तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स कहें या रेडियो के डायरेक्टर थे बशीर भट्ट साहब थे और भी लोग थे जी वो सब जानते थे क्योंकि वो तिमर सिंह टाइगर हॉल ड्रामा हाउस ने तो थोड़ा बहुत मेरा नाम हो गया था 1-2 साल में
तो मैं दूरदर्शन में कैसे आया ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे कोई शौक नहीं था दूरदर्शन आने का. मैं अभी बहुत छोटा था. आई वाज जस्ट 17 प्लस. आप चाहते थे स्टेज को अभी ग्रेजुएशन कर कम से अगर चलो डॉक्टर नहीं बना तो कम घर वालों की उम्मीद थी कम से कम कुछ मास्टर्स करेगा कुछ करेगा. जी जी. तो शाम को ड्रामा है 6 बजे. जी. मैं उसमें एक कुछ डाकू का रोल कर रहा हूँ. अच्छा. तो चार उस जमाने में उतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी. सो बड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीके का मेकअप बड़ा कंबरसम होता था. तो 3-4 बजे से मेरी दाढ़ी लगनी शुरू हो गई. मेकअप वाला लगा रहा है दाढ़ी. 4 बजे से बैठा हूँ. 6 बजे शो है. सही. तो 4:30-5 से रेडियो कश्मीर की एक जीप आई. ये दफ्तर तो बना ही नहीं था ना तब. ये रेडियो कश्मीर. रेडियो कश्मीर. तो एक ड्राइवर था क्योंकि मैं रेडियो ज्यादा था ड्रामे वामे करने के लिए तो पहचानता था. तो सबको पूछ रहे अशोक जी कहाँ. सबको जी वो ग्रीन रूम में. तो मैं गया आया मैंने पहचाना. कहते जी आपको रेडियो में फौरन बुलाया डायरेक्टर साहब ने शाम के वक्त. मैंने कहा मैं यार कैसे जाऊँ. मैं दाढ़ी मेकअप है प्ले है. कह रहे नहीं 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 वो दिल्ली से कोई आपको मिलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा तुरंत उनको ले आओ. हमको पता ही नहीं था आप कहाँ थे. इसको पता हुआ था इस लोग पता तो ड्रामा है तो आ जाओ. मैंने कहा 6 बजे शो. कहता नहीं मैं बांध से पर महजूर नगर में 10 मिनट में आपको ले जाऊंगा ऐसे चलो. बहुत अर्जेंसी है. सो आई डिडंट नो उस बेचारे को मालूम नहीं था माजरा क्या है. तो पूरी दाढ़ी वाड़ी लगा के मैं गाड़ी में आया. ऐसे ही. मैं आई कांट रिमेंबर देन अगेन पुट इट. शाम को शो है 6 बजे. दाढ़ी लगाने में 3 घंटे लगेंगे. जी. तो मैं आया ऐसे ही. तो रेडियो में ऐसे मुझे भी शर्म आ रही है. अब मैं घुसा. वो डायरेक्टर तो थे वो जानते थे. उनसे सलाम दुआ हो गया. तो साथ में देखा बगल में एक आदमी बैठा हुआ. अच्छा. तो डायरेक्टर साहब ने उनको कहा कि ये मैं इनकी बात कर रहा इनसे मिलाना चाहता था. मैंने कहा सॉरी सर आई मीन मेकअप वेकअप. तो ही जस्ट आस्क्ड क्या कर रहे हो. मैंने कहा सर थिएटर प्ले. कौन सा प्ले. ये क्या है प्ले का थीम. वो 2-4 सवाल उन्हें वैसे ही पूछ लिया जस्ट टू गेट एन आइडिया. और क्या प्ले किया ये किया ये वो क्या. मैंने कहा सर मेरा शो है 6 बजे. ओके फाइन जाओ. तो मैं चला गया. उसके 1-1.5 महीने बाद इंटरव्यू कॉल अपने आप बिना अप्लाई किए घर पे आ गया. और फिर जब मैं इंटरव्यू किया दैट वाज अ फॉर्मेलिटी दैट ऑलरेडी मेड अप सिलेक्टेड. सो दिस वाज हाउ आई गॉट टू टेलीविजन. राइट. यानी आपके अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस था कि उस वक्त आपने जिस तरह से बात की कि उन्हें मालूम हो गया. एक चीज तो थी अल्लाह का शुक्र है देन है कि कॉन्फिडेंस मेरे में हमेशा रही है. हमेशा चाहे टेलीविजन में चाहे स्टेज में चाहे राइटिंग में कहीं भी आई हैव नेवर लैक्ड इन कॉन्फिडेंस. और अबार मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्ट या मीडिया इंडस्ट्री जो है कॉन्फिडेंस आपका एक बहुत बड़ा एसेट होता है. बिल्कुल. अगर आपके पास ज्यादा अल्फाज नहीं है बहुत कम अल्फाज है बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं तो यकीनन आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां आप अपने हुनर को और भी निखार सकते हैं. बिल्कुल सही. नाज़रीन मोहतरम यहाँ वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का और ब्रेक के उस पार हमारे आज के खास मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे. हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान यू आर ज्वेलर्स. हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी उम्दा डिजाइनिंग और गारंटीड बेस्ट प्राइस. तो याद रखिए यू आर ज्वेलर्स शाहरी खास नाले मारोर काजी कदल सराफ कदल श्रीनगर. मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैन डूबे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है. वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है. उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे उनके घर में औलाद नहीं थी वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया. आज उनके घर में खुशियां हैं. यहाँ पे हर फैसिलिटी और डॉक्टर साहब की ईमानदारी रहमदिली और सिताओं की होशियारी जो है ये एक मिसाल है. अल्लाह का शुक्र करती हूँ डॉक्टर साहब ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है. अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम सिताओं डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे. अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991.
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके और आज के हमारे खास मेहमान जो हैं वो फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन कश्मीर श्री अशोक जेलखानी साहब हैं, जो एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत कुछ है। गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाई जाएं। और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी शह सुर्खी आप तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्स शिफ्टिंग ऑफ पीडियाट्रिक सर्विसेज ऑफ जीबी पंत टू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बेमिना, प्रिंसिपल जीएमसी टू शेयर डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर शिफ्टिंग ऑफ सीडी हॉस्पिटल टू जीबी पंत। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास और दो सुर्खियां, मेवा गाड़ियों को बगैर किसी परेशानी महफूज रास्ता फराहम करने की हिदायत, अटल डुल्लू की सदारत में मुतल्लिका हुकाम के साथ खसूसी मीटिंग का फैसला। एक और खबर इसी अखबार से, शंघाई ताउन तंजीम के अराकीन में एतमाद की ज़रूरत, नरेंद्र मोदी कहा कि दुनिया को आज एक और बड़ी चैलेंज का सामना है और वो ये है अपने शहरों के गजाई तहफ़ को यकीनी बनाया। जी, एक उर्दू रोजनामे में ये खबर शाया हुई है कि तालीमी इदारों में मुश्तरका ड्रेस कोड, सुप्रीम कोर्ट का मफादेआमा अर्जी पर गौर करने से इनकार। एक और उर्दू रोजनामा नाज़िर मेरे पास और इसकी भी शह सुर्खी, ज़रूरतमंदों की मदद ही इंसानियत की हकीकी खिदमत, मनोज सिन्हा, एलजी ने मुफ्त मस्नूई एजा और कैलिपर तकसीम स्कीम का जम्मू स्कॉस्ट में इफ्तिताह किया, कहा गरीब बच्चों के लिए शादी स्कीम में तेजी लाई जा रही है। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामे में वी द पीपल उनवान के तहत ये खबर शाया हुई है कि फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ ड्यूपिंग एंड चीटिंग बाय फेक फेथ हीलर्स री एनफोर्स नेसेसिटी फॉर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज टू रेन देम इन कश्मीर। अंग्रेज़ी रोजनामा मेरे पास और दो सुर्खियां इस अखबार से भी, अथॉरिटीज़ रिव्यू सिक्योरिटी एट माता वैष्णो देवी श्राइन अहेड ऑफ नवरात्रि, और एक और खबर, जम्मू रिजॉयसेस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ महाराजा हरी सिंह बर्थडे एज पब्लिक हॉलीडे। जी, एक उर्दू रोजनामे से आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि जम्मू कश्मीर कमेटी की आला सतह मीटिंग मुनक्कद, हज 2024 के लिए इंतजाम का जायजा लिया। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे ये खबर, बैक टू विलेज का चौथा मरहला इंतजामी सतह पर तैयारियां शुरू, कामयाब इनकाद के लिए आला सतही 10 रुकनी कमेटी तश्कील, जरूरी लवाजमात मुकम्मल करने की जिम्मेदारी शेड्यूल को भी हतमी शक्ल देने का इख्तियार। नाज़िम मोहतरम, अखबार की सुर्खियाँ हर दिन की तरह हमने आप तक पहुँचाई। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है अशोक जेलखानी जी, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, और इनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, आपने अपने बचपन के सफ़र को दोहराया, वो यादें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक दौर वो भी आया कि जब आप दूरदर्शन में शामिल हुए और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स भी आपने संभाली, तो उस सफर के हवाले से जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, वो दौर कैसा रहा और नेक्स्ट जर्नी क्या क्या आप जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं टेलीविजन में किस कैसे आया जी, तो एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि थिएटर जिस स्थिति में आजकल है सारे इंडिया में, थिएटर की एक बुनियाद है, एक काम हो रहा है काफी, उस दौर में थिएटर की इतनी मतलब पहचान नहीं थी, इतना काम नहीं हो रहा था, लोगों का इतना सपोर्ट, कई तरह की दिक्कतें थी। लेकिन अब चूंकि बुनियादी बात मेरी थी कि ड्रामा एक्टिंग डायरेक्शन, तो उस लिहाज से मेरा टेलीविजन में आना बहुत अच्छा हुआ जी। क्योंकि जो काम मैं थिएटर में नहीं कर सका पूरा, मैं टेलीविजन में कर पाया, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला। बुरुदुस लगभग धानवेरन प्रोड्यूसर जी, 75 to 84 or 85 श्रीनगर। लेकिन उसमें खूबसूरत बात यह रही क्योंकि मेरा ड्रामा का बैकग्राउंड था, तो जितने भी डायरेक्टर आए, सीनियर अफसर आए, वो 10 के 10 साल लगातार मेरे जिम्मे ड्रामा जी। तो 10 साल में आप सोचिए, वो जमाना था तब बाहर से ड्रामा बन के नहीं आता था, सारा काम इन हाउस प्रोड्यूसर, इन हाउस टैलेंट। तो महीने में 4 ड्रामे होते थे टेलीविजन पे, हफ्ते में एक ड्रामा प्रोड्यूस करना कोई मामूली बात नहीं। तो एक कश्मीरी एक उर्दू, एक कश्मीरी एक उर्दू अल्टरनेट। तो अगर मैं मान लो कश्मीरी मेरे जिम्मे है तो 2 हर महीने प्रोड्यूस करने हैं, या उर्दू है तो 2 प्रोड्यूस करने हैं जी।
तो 10 साल समझिए कि बहुत टेलीविजन के हिसाब से बहुत बड़ी गिनती होती है जी। मैंने करीब करीब 200 से जायद ड्रामे टेलीफिल्म सीरियल्स और उसमें खुशी की बात हो गई कि इतने साल हो गए कुछ एक मतलब लगभग 2-4 जिनको मैं कहूँगा कि एवरेज रहे हैं तो बाकी सब अच्छे ही रहे हैं जी। और अच्छी बात यह है कि अभी भी उनमें से कुछ ऐसे ड्रामे हैं इतने साल हो गए कि लोगों को अभी याद है। जैसे दस्तार, जैसे हरुद सीरियल था अमीन शाकिर का जी। दस्तार का राम लगे चैनी लीला है, वो अभी भी मशहूर है, अभी भी लोग पहचानते हैं। और बेगुरबान एक ड्रामा था, तो इस दौरान मैं ज़्यादातर प्रोड्यूस करता रहा, लेकिन कभी कभी कुछ एक ड्रामे मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ी इन्हीं वजह से, तो वो भी अच्छे गए। तो वो एक जो क्रिएटिव अर्ज थी वो दूरदर्शन की वजह से आई कुड यू नो फुलफिल दैट। कोई ऐसा रोल जो आपको अभी तक याद है जो मुश्किल था आपके लिए, चैलेंजिंग? बहुत, देखिए उस जमाने में एडिटिंग नहीं होती थी, उस जमाने में रिटेक्स वगैरह रिटेक्स नहीं होते थे। उस जमाने में आपको जब रिकॉर्डिंग करते थे एक टेक में तो आपको स्टेज की तरफ पूरा ड्रामा याद होना था, जरूरी था। नो मार्जिन फॉर एरर, मार्जिन मतलब मान लो कैमरामैन ने कोई गलती की, कैमरा हिल गया तो वही रुक के फिर शुरू से दोबारा से आपको स्टार्ट से, इट वाज वेरी डिफिकल्ट जी। तो एक ड्रामा का मैं जिक्र करूँ, बड़ा दिलचस्प है, उसका था तो नाम बेगुरबान। बेगुरबान शमसुद्दीन शमी, वो बाद में यहाँ हमारे न्यूज में ट्रांसलेटर राइटर भी थे जी। उनका इंतकाल हो गया कुछ साल पहले, वो नया था। तो इस दौरान ये भी जिक्र करूँगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट जितने फिर बाद में अभी के हैं वो सब मेरे हाथ से निकले, बहुत सारे, और बहुत सारे नए राइटर्स को लाने का मुझे मौका मिला। क्या बात, जो बाद में बहुत अच्छे राइटर बने, ये शमसुद्दीन शमीम है, डॉक्टर सोहनलाल कोल है, क्या बात, मरहूम अमीन शाकिर है, क्या बात। तो इनका जो जो उसको कहे ना इंट्रोडक्शन फाउंडेशन मेरे थ्रू हुई, क्या बात। तो बेगुरबान में क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट मैं नहीं कर रहा था, सुचू ड्रामा एक बहुत इमोशनल मेलोड्रामेटिक कहानी है, सुचू अक बोध बेनीज कहानी, बेनीश असान लंड एमिशन खांद्र बनान बोझ असान तमाश करन वो। तो मेन यही दो करेक्टर हैं, भाई और बहन की कहानी है। तो जिस एक्टर को ये रोल करना था, मैं तो डायरेक्टर था, वो रिहर्सल चल रहा था 15-20 दिन। आशा जारू हमारी एक अच्छी एक्ट्रेस है, भारती जारू की बहन, वो दोनों बहनें, बहुत अच्छा नाम है उनका, वो बहन का रोल कर रही थी। जिस आर्टिस्ट को मेन रोल करना था वो अनंतनाग गया हुआ था इतफाक से घर के काम से 2-4 दिन पहले, तिमन दोन पे रूद सहलाब खुद ट्रैफिक अच्छा। जब रिकॉर्डिंग होनी थी दूसरे दिन, एक्टर है ही नहीं, एक्टर उसने मैसेज किस तरीके से भिजवाया, मैं आ ही नहीं सकता, गाड़ी नहीं आ रही जी। तो अब क्या करें, रिकॉर्डिंग है, स्टूडियो अलॉटेड है, पूरा दिन जाया नहीं कर सकते जी। तो मैंने डायरेक्टर साहब को कहा, कहता नहीं नहीं ये तो बड़ी इट इज क्रिमिनल वेस्टेज, यू कांट वेस्ट। तो जमाने डायरेक्टर बड़े सख्त होते थे, मैंने कहा सर आओ इजाजत है तो मैं करूँ, हाँ यू गो, उसको मालूम था मेरा स्टेज का एक्टिंग का गैप है, कहा आप करो। अब उसमें क्या था, ये जो बगल का एक न्यूज स्टूडियो था छोटा यहाँ, और मेन स्टूडियो में सेट लगा था 2 सेट पे, तो फ्लैशबैक्स के सीन थे जी। एक सेट पे मैं जाता हूँ बिना दाढ़ी, दूसरे दाढ़ी में मैं थोड़ा बुजुर्ग बन के दाढ़ी लगाता हूँ, क्या बात है, क्या बात। तो उस सेट से जब निकला इट इज कंटिन्यूअस, यू कांट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो निसार बड़गामी हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे जी, तो उसने बियर्ड काट के रखी थी, अच्छा। मतलब मैं उस स्टूडियो से आया यहाँ तब तक आशा बैठी है, उसका क्लोजअप हार्डली 1 मिनट, वो तब तक मुझे ऐसे दाढ़ी लगाते, मैं दाढ़ी में एंट्री करता था, क्या बात। तो इस तरह से, लेकिन वो ड्रामा बहुत मकबूल हुआ, बहुत ही मकबूल हुआ, और अभी भी लोगों को याद है, उसकी कहानी बड़ी टचिंग है। वो फिर तमाश करना जमा के, तो अल्टीमेटली बहन की शादी नहीं कर पाता वो, फिर गुस्से में आके, क्योंकि बहन उसकी लंगड़ी होती है, शी इज विदाउट वन लेग, तो फिर क्या करता है वो, दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले, वो तमाश ऐसा सारे गुर वगैरह टॉयज उन सबको लोड बनाता है, सारी जांग फटा आउट ऑफ ऐसे, दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। सो ये कहानी छू गई लोगों को, बड़ी इमोशनल थी ना बहन भाई की कहानी जी, बिल्कुल। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर, और ये बहुत अहम है। आप देखिए जब आप थिएटर करते हैं
तो आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। बिल्कुल सर, सर जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं बड़ी ध्यान से आपको देख रहा था, मुझे लगता था, मुझे लग रहा था शायद आप कोई परफॉर्मेंस ही दे रहे, क्योंकि आपकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको लगता है कि जैसे आप कोई सीन देख रहे हैं, आप कुछ नरेट कर रहे हैं। मुझे मजा आ रहा था, मुझे आपको रोकने का भी मन नहीं कर रहा। एक तरह से ट्रेनिंग को ना, ये मतलब 17 साल की उम्र से ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें सर थिएटर और फिर टेलीविजन, ये दो चीजें। मैंने एक फिल्म भी की है, आपको पता है, एक फिल्म थी, एक ही फिल्म, क्योंकि उसके बाद दैट वेंट में डर्टी पॉलिटिक्स है फिल्म में, उसमें जो मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन उसमें मेरे लिए जो बड़ी अचीवमेंट और तसली बख्श बात ये थी कि उसमें हिंदुस्तान के क्या दुनिया के 3 बड़े एक्टर उनके साथ 1-to-1 सीन्स मैंने किए। अच्छा। नसीरुद्दीन शाह, क्या बात, मरहूम ओम पुरी, अनुपम खेर, वाह, फर्स्ट फिल्म 1-to-1 सीट्स विद दीस 3 स्टारवर्ड्स एंड आई वेल, मतलब खुदा का शुक्र है, नो रिटेक्स, 1 टेक शॉट्स। क्या बात। तो फिर टेलीविजन में, जहां आपने कम्युनिकेशन की बात की ना, ये तो एक्टिंग वेटिंग की बात हुई। टेलीविजन में आपकी डाक का प्रोग्राम जाता था, खतों के जवाब का प्रोग्राम, जी, जी। वो 10 साल में ही करता रहा। क्या बात। और मेरे फैंस अक्रॉस द बॉर्डर भी थे, वहां से भी खत आते थे। इट वॉज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, राइट। मतलब हम नॉर्मल तरीके से नहीं करते थे, खत पढ़ा उसका जवाब दिया जी। उसमें हम क्विज बीच पे डालते थे, कार्टून से कंपटीशन करवाते थे, वी ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बहुत सारे इंसर्ट्स डालते थे। तो 10 साल चला और 10 साल लगातार मैं स्क्रीन पे ही आता रहा। तो नॉर्मली होता है ना, आपका एक्टर वेक्टर चले, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसको कोई पहचानते थे, लेकिन मुझे कश्मीर में लोग पहचानते थे बिकॉज मैं उस एक्टिंग तो थोड़ी की, लेकिन उस प्रोग्राम की वजह से मैं हर हफ्ते स्क्रीन पे आता था। वो जैसे आप लोग मॉर्निंग शो करते हैं, मैं आपकी डाक करता था, हर बुधवार को आता था, ठीक है। तो वो भी एक वजह रही है। फिर एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम जो नीलामगढ़ है ना पाकिस्तान का, उसके स्टाइल पे हमने यहाँ शुरू किया था, फारूक नाज के साथ प्रोड्यूसर थे उसके, गुलाम बेगम बादशाह, बिल्कुल, बहुत ही मशहूर, बहुत पॉपुलर था। मैं और नसीम खान उसको कंपेयर करते थे। तो इस तरह से जो तुम्हारा काम है वो भी मैंने किया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम नए बस हैं। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम आज देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि आपके दौर में थिएटर आर्टिस्ट या जो भी लोग थे अपने हुनर की कदर भी करते थे और एक स्टैंडर्ड था कि हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता था, एक ऐसा शख्स कि जिसको कुदरत ने नवाजा और फिर उसने बहुत ही मेहनत करके अपने हुनर को जो है बरोए कार लाया है, वही एक आर्टिस्ट की तरह जो है उसे पहचाना जाता था। जब आज देखते हैं तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसने इंसान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हर एक इंसान खुद को आर्टिस्ट जो है, सेल्फ क्लेम्ड आर्टिस्ट बने हुए हैं जी, और मुजाहिरा करते हैं चाहे कोई भी हुनर, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ एन आर्टिस्ट। अगर आपसे जानना चाहिए, आप इस चीज को, इस तब्दीली को कैसे देखते हैं, क्या ये एक पॉजिटिव चेंज है या इस पर चेक जो है क्वालिटी चेक जरूरत है? इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड, जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यू नो, एक फिल्म के लिए भी चैलेंज बने, मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए भी पॉजिटिव, मैं तो समझता हूँ पॉजिटिव ज्यादा है जी, बिकॉज इस फील्ड में, जैसे फिल्म के हवाले से मैं ज्यादा बात करूंगा, एक मोनोपोली बनी थी, हर 3-4-5 एक्टर होते थे, उन्हीं की फिल्म्स को थिएटर में, वही डायरेक्टर होते थे। अब हर फ्राइडे को एक्टर बदलते हैं, हर फ्राइडे जी, एंड यू हैव सीन द काइंड ऑफ फिल्म्स नाउ वी आर मेकिंग, यंग डायरेक्टर्स, अब जिनको प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम में रिलीज नहीं हो पाते तो OTT पे आते जी। और स्टोरीज देखिए ना कितनी डाइवर्स, टोटल बदल गया है जी। मैं आपको वसूख से ये बात कह सकता हूँ, जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, जो अभी जिंदा हैं, हाले हयात हैं, दे कांट कनेक्ट टू दिस मॉडर्न सेंसिटिविटी। इफ दे मेक ए फिल्म नाउ, देर बी ए फेलियर, बिकॉज व्यूअर भी बदल गया है, व्यूअर इज एक्सपोज टू इंटरनेशनल सिनेमा, ही वोंट लाइक दैट, यू नो, जो होता था हमारे सिनेमा में, क्रिएटर को भी बदलना, लड़का लड़की विलन, गाना वाना, अब आप देखते हैं फिल्मों में गाने ही नहीं होते, नहीं होते, इक्का दुक्का होता है कभी कभार, बिल्कुल, और सब्जेक्ट ऐसे ऐसे है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, और उनमें से ऐसे अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं जो चलते हैं जी। यानी एक मैं एक फिल्म का हवाला देता हूँ, पीकू एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, इरफान खान, व्हाट इज द फिल्म, फिल्म इज अबाउट कॉन्स्टिपेशन, यस, कुड यू इमेजिन, इट बिकेम अ हिट, हिट वेरी, कोई ग्लैमर नहीं, डिग्लैमराइज्ड सब्जेक्ट,
तीन एक्टर, तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। बिल्कुल, तब्दीली तो बहुत आई एक्टरों की। मतलब अब आप लाइन, मैं तो आपको कहता हूँ, म्यूजिक फील्ड आप देखिए, जो टैलेंट शो होते हैं ये होते हैं, उसको उनके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, लेकिन कितना टैलेंट जो उभर के सामने आया, सामने आता छोटे छोटे शहरों से जी। जिनकी पहुंची, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो मर जाते थे वहीं सड़क, इन्हीं प्लेटफॉर्म से वो आ गया है। कितने डिस्कवर हुए, मैं तो आपको मतलब आइडियर से आज के जमाने में अगर लता मंगेशकर जी भी होती, उनको भी ऑडिशन देना पड़ता। क्या बात, क्या बात। दिस इज द लेवल एंड स्केल ऑफ टैलेंट वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तुम्हुद कलाम रोजन मौजूद आखिरी वक्फों में प्रोग्राम, एक छोटा सा वक्फा नाजिन, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अशोक जी से करनी है, और मुझे ये यकीन है कि बहुत सारी बातें रह जाएंगी क्योंकि इनकी शख्सियत का जो दायरा है बहुत वसी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। यू गए यू आए, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان آ یو آر جیولرز یہ چھ ہال مارک سن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ تشریف انیو یو آر جیولرز شاہی خاص گنج کدل سراب کدل سری نگر वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेंट के देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमा हैं अशोक जेलखानी जी, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, और इसके अलावा ये थिएटर से भी जुड़े हैं, एक्टर भी हैं, ऑथर भी हैं। अशोक जी, आपने चूंकि आगाज़ में ही एक बात कही जो मेरे जहन में ज़रा रह गई, वो ये कि एक आर्टिस्ट को हौसला अफजाई की सिर्फ ज़रूरत होती है, उसको सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट सुननी, भूखा होता है, उसको वो पैसे वगैरह नहीं देखता है, अपने जुनून और पैशन को फॉलो करता है हमेशा। आजकल लेकिन पैसा हावी हो गया वो तो खैर हर जमाना बदल गया हर फील्ड में, लेकिन पैसा हैज बिकम मेन कंसीडरेशन। लेकिन ये है कि एक आर्टिस्ट को अच्छे मद्दाह भी मिलने चाहिए जी, एक ऐसी ऑडियंस मिलनी चाहिए जो उसके आर्ट की कदर करे, आर्टिस्ट कांट फंक्शन इन अ वैक्यूम। आपको क्या लगता है कि जब आप आज देखते हैं कि एज अ सोसाइटी हम कितने कदरदान हैं, कदर शनास हैं आर्ट के? नहीं, मैं तो समझता हूँ, देखिए क्या है उसमें, अक्सर आपने सुना होगा ये थिएटर के हवाले से, जनरली हम कहते हैं कि भाई ऑडियंस नहीं मिलती है, अप्रिशिएट नहीं करती, वो एक आर्टिस्ट का गिला रहता है, लेकिन उसमें हमारी भी गलती होती है, मैं आर्टिस्ट के हवाले से कह रहा हूँ जी। You see, you yourself have to rediscover. If you want that people should come to you, listen to you, watch you, you have to find a connection, you know, then say something. आप कुछ तो हमारी भी, मतलब आपको भी हर लेवल पे, हर स्टेज पे, हर आर्टिस्ट को, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, फिल्म बनाता हो, थिएटर वाला हो, उसको एक रीडिस्कवरी की जरूरत है, ठीक है नहीं? तो ऐसे नहीं कि मतलब मैं जी बड़ा आर्टिस्ट हूँ, आप, अरे आप मेरे को नहीं समझ पाते हैं जी। तो मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी फेलियर है अगर, तो फिर वो आर्टिस्ट कहलाने, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ लिखे, इज एट लिबर्टी, और ही मे बी ए गुड पेंटर, ही पेंट्स और डज समथिंग लाइक, ओके फाइन डू इट जी। सो उसमें आर्टिस्टों की भी थोड़ी गलती है। अच्छा जी, लेकिन अब देखिए हर चीज़ है, आर्टिस्ट आर्ट के कनोशर भी बढ़ रहे हैं। आप जैसे कश्मीर की, क्योंकि अनफॉर्चुनेट यहाँ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पिछले 10-20 साल से हालात ही कुछ दूसरे हो गए। अगर नॉर्मल हालात रहते तो यहाँ भी, जैसे मैंने 70s का जिक्र किया, आप सोच नहीं सकते हैं जब वो कश्मीर थिएटर फेडरेशन बनी, थिएटर स्टेज की बात कर रहा हूँ जी, 74, 75, 76, 77, फिर वो कुछ पॉलिटिक्स हुआ, बंद हो गई, तो वी हैड हाउसफुल शोज ऑफ थिएटर स्टेज प्लेस, टैगोर हॉल हाउसफुल। मैंने तो ये तक सुना है कि ब्लैक टिकट्स, एक दो ड्रामे में टिकटें ब्लैक हुई, ब्लैक जी, जी। तो एक माहौल बन गया था। हाँ। अब आप देखिए बॉम्बे है, सिनेमा भी है, ओटीटी भी, कितने हजारों चीजें, लेकिन थिएटर की अपनी एक साख थी, वहाँ है, आप इसी थिएटर जाइए शाम को आपको लोग मिलेंगे, बिल्कुल, इट इज लाइक दैट। मतलब अब क्या है, देखिए न्यूज़पेपर हम पढ़ते थे एक जमाने में, हमारा जरिया सिर्फ न्यूज़पेपर होता जी, प्रिंट मीडिया सुबह आप, मतलब आप दिन की शुरुआत नहीं होती, वो एडिक्शन होता था, चाय अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है, नहीं एक एडिक्शन बनता था पर्टिकुलर अखबार। अब ये अखबार जो है, अब सोशल मीडिया आया, अब इंटरनेट आया, पता नहीं क्या, फुर्सत ही नहीं आती,
दे स्टार्टेड रीडिस्कवरिंग. अब ये क्या करते हैं इनके सब पेपर ई पेपर आते हैं नेट पे आते हैं बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव दे हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ. ऐसी थोड़ी है कि जो मैं 50 साल 100 साल पहले कर रहा था. अब चूंकि आप आपकी तशरीफ आवरी का हम भरपूर यहाँ पे फायदा उठाएंगे और आपका एक फोटो एल्बम भी है मतलब जो हमने बड़े खुफिया तौर पर कंपाइल किया है जो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह. वो फोटो एल्बम हम दिखाना चाहेंगे उसके बाद जो है आपसे गुफ्तगु जारी रहेगी. ये देखिए ये जी जी एक किताबों का वो टाइटल कवर है जी जी. ये थिएटर एंड इंट्रोडक्शन ये बेसिकली बुनियादी तौर पे कश्मीरी जबान में छपी थी जी. अच्छा. फिर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ. अच्छा. तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ ये कश्मीरी वर्जन जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कश्मीर यूनिवर्सिटी के एमए के कोर्स पे निसाब में शामिल हो गया. ये किताब ये मेरी बायोग्राफी है एंड दस फ्लोर्स ऑफ वेतस्ता. महाराज शाह एक बहुत अच्छे एक्टर राइटर हैं जी जी. उन्होंने उनको जुनून आ गया तो एक बायोग्राफी लिख जिसमें मेरी सारी कहानियां हैं. अच्छा. अब तक की. अच्छा जी. तो एंड इट कोरिलेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स विद कश्मीर हिस्ट्री. ओके. मेरे पैदाइश में कश्मीर में पॉलिटिकल सीन क्या था समाज क्या कैसा बदलता गया मतलब ये कहानी है एक बच्चे की जो 1953 में पैदा हुआ और चलते चलते उसके साथ साथ माहौल पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक भी बदलता गया सोशियो पॉलिटिकल. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इन दैट सेंस. राइट. और भी शायद कुछ तस्वीरें हैं आपकी जो हम चाहेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले. ये जो मैं जिक्र कर रहा था थिएटर की किताब का अंग्रेजी का उसका डिमांड बहुत बढ़ गई है इसका. फिर हिंदी का ट्रांसलेशन वो अभी आया है ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. राइट. और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसका इन किताबों का थिएटर की जो किताब है इसमें फॉरवर्ड इत्तेफाक से इसका ड्राफ्ट गिरीश कर्नाड जी ने क्या बात द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट तो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है इस किताब. अच्छा. ही लाइक दिस बुक. ये तो इतनी सारी किताबें हैं आपकी तसानीफ है और बहुत सारी और भी यादें हैं. एक किताब और है वो जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो वो टेलीविजन प्रोडक्शन पे है तो उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ. वो बड़ी पॉपुलर किताब है अभी भी बेस्ट सेलिंग में है ई प्लेटफॉर्म पे और काफी सारे मास मीडिया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज में वो निसाब में शामिल है. क्या बात. खैर आपने जो ज्यादा जिक्र किया वो श्रीनगर स्टेशन का किया जी, लेकिन क्योंकि ज्यादा टाइम तो लेकिन आपको बहुत सारी अलग स्टेशन पे जी अपग्रेडेशन के लिए भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया और उन कुछ स्टेशन को तो शुरू करने के लिए भी लिया गया उनका भी जिक्र आप जी. श्रीनगर से जब जैसे हालात वालात खराब हो गए तो फिर जम्मू का स्टेशन चालू करना पड़ा एज एन एमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग. तो जब जम्मू का स्टेशन चालू हुआ आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर देयर. अच्छा. तो आप ये कह सकते हैं उसकी बुनियादी मेरे हाथों से पड़ी. क्या बात क्या बात. तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं था कोई टेलीविजन का माहौल नहीं था इक्विपमेंट यहीं कश्मीर से थोड़ा पुराना गया था टूटे फूटे कैमरा तो वहाँ अपने चैलेंजेस थे तो वो शुरू किया चल गया वो वहाँ 6 साल रहा जी. उसके बाद मुझे जलंधर भेजा गया पंजाब. अच्छा. तो जलंधर में वो भी एक 4 घंटे का स्टेशन था डीडी पंजाबी चैनल जो बहुत मकबूल है अभी भी और तब जी, बिल्कुल. तो डीडी पंजाबी चैनल 24 घंटे का मैंने ही शुरू किया था. क्या बात. 2000 में जी. और जलंधर के हवाले से इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक मॉडल स्टेशन बना उसको. उस स्टेशन में मुझे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला जो दूरदर्शन के कौमी अवार्ड होते हैं. क्या बात. बहुत अच्छे काम किए और वो लंबी एक लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि मॉडल स्टेशन इस लिहाज से कि उसका साल का बजट कोई 10-11 करोड़ था स्टेशन का. ओ, जी, जी. तो उतना ही मैं रेवेन्यू लेके कमाता था. तो सरकार से कोई पैसा नहीं लेते तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो मॉडल स्टेशन है हमको ऐसे ही स्टेशन चाहिए. क्या बात, क्या बात. तो वहाँ वो अच्छा काम करने की एक सजा भी मिल गई कि मुझे कहा गया आप चेन्नई चले जाओ वहाँ. वो बहुत बड़ा स्टेशन था चेन्नई लेकिन हालात खराब हो गए थे वहाँ. आप इसको दुरुस्त करो. मैंने कहा मैं काम किया कुछ आप मुझे सजा दे रहे नहीं नहीं जाना. वो दूर दूर जगहों पे पोस्टिंग डॉक्टर शफी कुरैशी साहब थे एसवाई कुरैशी जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए जी. वो डीजी थे तब. उन्होंने कहा नहीं मुझे भरोसा आपको ही जाना करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. तो मैं गया वहाँ 2 ही साल रहा वहाँ. तो वहाँ भी रेवेन्यू काफ़ी कुछ अच्छा किया. उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एडिशनल डायरेक्टर जनरल तो फिर मैं दिल्ली आ गया. सर थिएटर की आपने सॉरी बात की ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में स्टेज प्लेस जो हैं
कम हो चुके हैं, लोग ज्यादा दिलचस्पी इसकी तरफ नहीं लेते हैं, और इसको रिवाइव करने के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत होगी? जैसे इसमें देखिए, थिएटर चाहे एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, थिएटर जैसा जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, थिएटर जैसा परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड कोई नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो एक अच्छा थिएटर का एक्टर है ही विल बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, राइट। लेकिन ये है कि जब आप फिर फिल्म में आते हैं या टेलीविजन, तो थोड़ा बहुत अडेप्ट करना पड़ता है, बुनियादी फाउंडेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है। थिएटर एक्टर, मैं अपनी मिसाल आपको बताता हूँ, व्हेन आई, मतलब इन अ हम्बल वे आई एम सेइंग, व्हेन आई फेस्ड अ कैमरा विद अ जायंट लाइक नसीरुद्दीन शाह, आई वाज नॉट दिस नर्वस, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग थिएटर वगैरह में इस तरह हो चुकी थी थिएटर, मतलब थिएटर में इतनी ग्रिलिंग। ओमपुरी जी, मतलब ओमपुरी को तो मैं सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ दुनिया के। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, ओमपुरी ने करीब करीब 25-30 हॉलीवुड फिल्में की हैं। इंडिया में तो 2-4 रिलीज हुई हैं, 25-30, मतलब अमेजिंग एक्टर, राइट। लेकिन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, राइट। और थिएटर में सबसे खूबसूरत बात यह है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, जो बात वो कहना चाहता है फिल्म में, आपको अनमंजूर, आप डरते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। फिल्मों में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप अगर डूबेंगे तो अपने साथ पता नहीं कितने लोगों को ले जाओगे, पूरा कॉमर्स। तो जो अच्छा राइटर है, क्रिएटिव राइटर है, उसके लिए थिएटर, क्योंकि थिएटर में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नुकसान होगा तो 2-4 लाख डजंट मैटर, बट एक नई बात लेके आएंगे, तजुर्बा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत स्कोप एक्टर के लिए, तजुर्बा है, वो नई चीज कर सकता है जो उसके मन में है, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सर। अशोक जी, हमने गुफ्तगू शुरू की थी 8 बजे, लगभग 8-10 पे आपसे मुखातिब हुए थे हम, 8:57 हमारी घड़ी अभी दिखा रही है, तो ये घंटा कैसे, ये कुछ मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब चूंकि आप अपने मनसबी जिम्मेदारी से भी फारिग हो गए हैं, और आप एक, आप पे भी अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन हम जिसे कहते हैं, तो अभी क्या अभी मेरा कुछ नहीं, 2-3 2-2.5 साल से मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, अभी कोई खास नहीं चलता। कुछ प्लान आगे के लिए? अभी फिर ये जो टाइम मिला, जैसे ये 2-3 किताबें जो आपने देखी, ये तो मोस्टली, तो अब एक आध किताब और जहन में है, मेरे माइंड में है, मोस्टली आई मे कम आउट विद अनदर बुक और समथिंग लाइक दैट। एक गिला है कि आप कश्मीर बहुत देर बाद आते हैं, तो फ्रीक्वेंटली आया करें। नहीं, अभी अब थोड़े जी, फिर ये कोविड का भी हालात, मतलब हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जी 2-3 साल तो वो भी था ना, तो उस वजह से, क्योंकि हमने एक आयाश आरिफ वगैरह वो मेरे पीछे बहुत पड़े थे कि आप यहाँ आके एक प्ले डायरेक्ट कीजिए, स्टेज पे हम इकट्ठे करेंगे जी, तो हम सोच रहे थे, सीरियसली सोच रहे थे, तो अगर वो हो जाता तो नेचुरली मैं 2-4 महीने आना ही पड़ता। नहीं, आपकी यहाँ तो तशरीफ आवरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ की जो नई पौध है बहुत एंथुजियास्टिक है अबाउट थिएटर, अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स, लोगों से सीखने की, तो आपसे वो थोड़ा सा रहनुमाई उनको हासिल हो। जी, अल्लाह ने चाहा, अब चूंकि थोड़ा कोविड वोविड भी टल गया है, तो आई विल कम फ्रीक्वेंटली। और मैं कल ही आयाश आरिफ से बात कर रहा था, तो एक स्क्रिप्ट है अवतार कृष्ण ड्राइवर का, जिसपे मैंने काम भी शुरू किया था, लेकिन फिर वो कोविड का जमाना आ गया जी, जी। तो मे बी वी डू दिस प्ले एंड कम आउट टू द स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और बहुत ही मौदबान लहजे में ये कहता हूँ, अगर हमसे कोई भूल चूक या गलती हो गई हो, आपके शाया निशान हम सवाल नहीं पूछ पाए हों, तो हमें माफ कीजिएगा। अमर भाई, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं कभी कभी आपके प्रोग्राम देखता हूँ, कभी कभी वंस इन अ वाइल आई वॉच। बहुत शुक्रिया, यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू आर डूइंग गुड, थैंक यू, आप थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बोथ, थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़िम मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप इस एक घंटा हमारे साथ बने रहे। अशोक जी से आज बहुत सारी अच्छी और दिलचस्प बातें हुई, और कल भी इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारे प्रोग्राम को इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लेते रहिए। मुझे और फराह को इजाज़त दीजिए आज, बिलखसूस इस प्रोग्राम को प्यार मोहब्बत से नवाजते रहिए, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।